प्लीज जरा थोड़ा सा शोर शराबे से गुरेज करें. शरीफों का शो है ये, क्या हुल्लड़बाजी है, सब क्या हो रहा है भैया, क्या है ये, तुम लोग मना नहीं करते यहाँ बैठे? मैं इन चीज़ों को पसंद नहीं करता हूँ, आई हेट. मुझे सीरियस चाहिए, आई एम सोबर पर्सन. कभी भी जिंदगी के अंदर मुझे इन चीज़ों से नफरत है. सीरियसली बैठ के टॉक करनी चाहिए. सवाल ये पैदा हो गया कि हो क्या रहा भाई, क्या हो रहा है ये? तुम फिर आ गई? मैंने आ गई, जाओगी नहीं? नहीं. मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल चुका हूं फिरोजा. जाओ जाओ. मोहब्बत करेंगे पागल. देखिए हम लोग एक चीज को महसूस नहीं करते कि आखिर क्या बात है, क्या यकसानियत आ रही है हमारे यहाँ सोसाइटी में, कि जो बाप काम करता वही बेटा करेगा, जो बेटा करता वो पोता करेगा, जो पोता करता उसका बेटा करेगा. ये चीज है, अगर ये है अच्छा तो फिर ये होना चाहिए. अगर ऐसा हो तो कैसा हो कि अगर शौहर पुलिस वाला तो बीवी पुलिस वाली. हाय हाय, मजा आ जाए, कितना अच्छा लगे. एकदम शौहर बोले बेगम मेरा यूनिफॉर्म आपने पहन लिया है. और अगर शौहर पहलवान तो बीवी पहलवान, दोनों शाम को बता, आगे बता रहे हैं यहाँ पे, बता तुम्हारी कबड्डी कैसी रही. मेरे सामने तो वो थी ना आपदा, यूं बाल पकड़ के, मैं तो उसकी कमजोरियां जानती हूँ. मुझे पता था गुर्दे का ऑपरेशन, मैंने वहीं घुटना मारा. और अगर शौहर डाकू बीवी डाकू. शौहर डाकू आके बता रहा, आज मैंने डाका मारा बेगम, औरतों के जेवर उतार लिए. हाय हाय, मैं तो डाका मारने गई थी, मुझे किसी ने दो तमाशे मार के सारी चीज छीन ली. क्या बनेगा अगर शौहर और बीवी दोनों एक ही प्रोफेशन में हो, तो क्या हो सकता है? क्रिएटिव जॉब भी है, एक्टर भी हो सकते हैं, एंकर भी हो सकते हैं, और अगर दोनों बैठ के किसी टॉक शो में बात करें तो हालात क्या हो सकते हैं? हालात खराब भी हो सकते हैं, घर की बातें भी खुल सकती हैं, बच्चों का जिक्र भी आ सकता है. बहुत सारे एंकर्स हमारे ऐसे हैं जो मैरिड हैं, जो बच्चे भी साथ लेकर के आते हैं, पीछे बच्चों के हल्के हल्के रोने की आवाज़ भी आ रही होती है ना. और कुछ तो बच्चे ऐसे हैं जो कि हमारे सामने ही जो है ना वो टीवी पर ही पैदा हुए हैं माशाल्लाह. ऐसे बच्चे भी हैं, एंकर्स के बच्चे ऐसे भी हैं कुछ. लेकिन अगर दोनों एक जैसे हों तो इनके प्रोफेशन में क्या हो सकता है और क्या होना चाहिए, इस पर हम बात करेंगे. क्योंकि हमारे जो गेस्ट हैं वो इसी से ताल्लुक़ रखते हैं कि दोनों एक ही सेम प्रोफेशन में काम करते हैं और बहुत से लोग करते हैं. ये अच्छा है या बुरा है, इससे क्या बनता है? लेकिन मैं समझता हूँ एक प्रोफेशन ऐसा है जो हम सबको एक काम करना पड़ता है. जितने दुनिया के एंकर हैं उनको एक काम करना पड़ता है और वो काम है ब्रेक. इसके अलावा ना हमारा गुजारा है ना आपका गुजारा है. आपको भी कुछ काम करना हो, उठकर चाय का कप लाना हो तो आपको भी चाहिए एक ब्रेक. तो आप चाय को इधर उधर कीजिए, मेहमानों को सर्व कीजिए, हम आते हैं वापस. डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक. वेलकम बैक ऑफ द ब्रेक. ब्रेक के जब हम गए तो हम जिक्र कर रहे थे इंसानी रिश्तों में कितनी अपनाइयत, कितना खलूस और कितनी उनको एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए ये चीज़. और अगर एक ही घर में दो एक जैसे काम करने वाले हों तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, या होती है या नहीं होती? अगर एक ही घर में दो हीरोइंस हो जाएं तो, मैंने एक बार पूछा था निश्चोबाजी से कि आप एक हीरोइन हैं और आप ही के घर में एक और हीरोइन आ गई साहिबा, अब दो हीरोइनें घर में हैं तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुआ? उन्होंने कहा नहीं, उससे तो नहीं हुआ, मुझे लगा ये क्या हो गया. क्योंकि वाकई में एक खुद जो आदमी काम कर रहा हो, और वो उस वक्त मेरी फिल्म 420 में काम कर रही थी, तो उन्होंने सोचा कि मैं खुद अभी काम मजीद करना चाहती थी, मगर हुआ क्या कि मुझे बच्ची को मेरी फिल्म में आने का वो हुआ. तो अब मुझे तो जाहिर है जब मैं हीरोइन की माँ हो जाऊँ, हीरोइन आते आते एकदम हीरोइन की माँ बन जाए, तो ये एक बड़ा उनका एक सख्त फैसला था अपने लिए. और वो लम्हात उनके लिए बड़े वो थे
कि उन्होंने अपने आप को विड्रॉ किया और साहिबा को आगे ला करके उन्होंने उसका शौक़ पूरा किया, और फिर उसने अपना शौक़ पूरा करके उसको लगा कि बस शौक़ पूरा हो गया, तो वो अपने घर चली गई और अपने घर में माशाल्लाह खुश है, हमेशा बसी रहें। एक जैसे काम करने वाले दो लोग एक ही घर में हों तो क्या होता क्या है? आज हम आपको ऐसी दो शख्सियतों से मिलाने जा रहे हैं जो एक ही काम करते हैं, एक ही चैनल पे करते हैं, एक ही जगह बैठे होते हैं, बातचीत भी वही है, और दोनों हस्बैंड वाइफ भी हैं, यानी कि रिश्ता भी इतना क्लोज है कि उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। आप बहुत उनके शोज़ देखते हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छी उनकी जो मिसिज हैं वो भी बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, लेकिन उनकी अभी शुरुआत है, नई है, और जो उनके हस्बैंड हैं वो ज़रा खासे पुराने हो गए, खासे पुराने भी मतलब है कि ठीक हो गए हैं, अच्छे हो गए हैं, बहुत पॉपुलर है, आप लोगों ने पसंद करते हैं, आपकी बहुत सारी तालियों में मानी एंड हीरा। नहीं, क्यों नहीं होगा, हमारे शो में इस तरह इस्तकबाल होता है और आप इस काबिल हैं। सबसे पहले तो मानी मैं आपको और आपकी मिसेस को हिरा को खुशामदीद कहता हूँ, अपने तमाम लोगों की बेशुमार तालियों में मोहब्बत होना। एक सवाल वो जो दो खवातीन आई थी वो चली गई? नहीं वो चली गई है क्योंकि उनको हम एहतियातन भेज देते हैं, हम पहले मेहमान देखते हैं किस किस्म का है, अगर मेहमान हमें लगे कि अच्छा है तो वो यहीं खड़ी रहती है, लेकिन अगर मेहमान हमें आप जैसा आ जाए तो हमें हिफ्ज़े मा तकद्दुम के तहत उनको बाहर भेजना पड़ता है। नियत भी देख लेते हैं, मतलब नियत हम पैर रखते हैं, नियत तो पहले देखते, हम नियत नहीं देखते, जो आपकी ये नेक नियति है ना, ये तो है, इनसे पूछ लेते हैं। तो ये बता देती है, ये ईराना में पहले बता दिया था, लड़कियां ना छोड़िएगा वहां। हाँ मेरे भाई, थैंक यू सो मच। वैसे अब रही भी नहीं, अब वो कहती है तुम्हारी इतनी प्यारी बीवी है अब भी ये होता है, तो ये नहीं यार, ये तो कोई बात नहीं कर रहे आप, ये तो उनकी अपनी एक शख्सियत है ना, ये तो है, जिसकी वजह से आप इस प्रॉब्लम का शिकार होने से बच गए। ये आप प्रॉब्लम का शिकार। अच्छा, आपकी और इनकी मुलाकात कहाँ हुई? टेलीफोन पे। रॉन्ग नंबर लग गया होगा? नहीं, एक जमाना था, मैंने कोई लड़की नहीं छोड़ी टेलीफोन पे, लेकिन हाँ फोन पे। यही रुक जाओ, यही रुक जाओ, स्टॉप स्टॉप हो जाओ भाई, अब आप टेलीफोन के मजनू। बहुत किया मैंने बात, मेरे अब्बा कहते थे तुझे कैंसर हो जाएगा एक काम से। लेकिन ये था कि वो उस वक्त था कि वो होता ना कि बंदा टीवी, अच्छा उस वक्त कोई एंटरटेनमेंट भी नहीं थी, यही थी ना, यही थी कि रात को बैठ के रॉन्ग नंबर पे कहीं कॉल लग जाए, कुछ हो जाए। नहीं, ये उसके बाद की बात है, जब टेलीविजन पे आया तो मेरी एक दो ख्वाहिशें थी कि यार बहुत सारे पैसे कमा लूं, बहुत सही लड़कियां फंस जाए, ये दो थी। ज़हन ये था, ज़हन नहीं, हर एक की होती है, वो बताता कोई नहीं यार, हमारी तो ये नहीं थी, नहीं बताता, अल्लाह की कसम हमारी तो आज तक नहीं है ये। तुम तो बड़े फास्ट आदमी निकले यार। मैंने कहा ये करना है, तो वो हुआ, फिर वो होने लग गया, क्योंकि आप टीवी पे कोई भी आ रहा हो उसके पीछे दो चार तो आई जाती है, ये मैंने देखा है यार। और हाथ भी अपनी बीवी से मान ला है, बहुत जिंदगी में मैं माफ कर देना जितनी बहने सुन रही है इस वक्त। अब क्या वो बहने होगी, क्या कहना, शादी के बाद कहना पड़ेगा क्या कर, वो फिर ये चलता रहा मैंने कहा तंग आ गया हूँ, तो यह शादी करनी चाहिए, घर वाले पीछे लगे हुए थे अम्मी अबू के, शादी कर लो बेटा शादी कर लो। तो फिर एक पॉइंट आया कि वो हीरा मिली मुझे, हीरा की एक दोस्त से मेरी बात होती थी, मैं सच्ची बताता हूँ, पहले दोस्त आपकी दोस्त थी, वो दोस्त मेरी दोस्त थी, मैं उनसे टेलीफोन पे बात करता था, मैंने कहा मिलो यार, मिल क्यों नहीं रही, मतलब वो जो होता है कि मिल लो ना, मतलब टेलीफोन का बिल जो है मेरा, मेरे उस वक्त जो थे फोन पे पैसे आ जाते थे, फोन पे सारे पैसे फोन पे ना। अच्छा, एक्सप्रेशन क्या है, आपको लड़की नजर नहीं आ रही, फोन नजर आ रहा है। नहीं नहीं, बड़ी मजे की बात उमर भाई, मैं बताऊं आपको, उसका वेट था थोड़ा ज्यादा, काफी ज्यादा है ना। हाँ खैर, अब वो दोस्त भी है ना मेरी, कवर तो करूंगी, तुम उसका नाम। अच्छा, फोन बातें करते थे, अच्छा उसकी सांस फूलती थी हर, ज्यादा वजनी आदमी, मैं उसको बोलता था तुम्हारी सांस क्यों फूल रही, तुम मोटी तो नहीं हो, और स्पीकर्स ऑन करके ना मुझे भी, मैं तो मानी की फैन, मैं सुनती थी क्या बातें कर रहे हो तुम लोग, एक्चुअली रेडियो शो मेरा, क्या बात है, क्या बात, और आपको ज़हन में भी नहीं होगा यही आदमी मेरे नसीब में लिखा हुआ, बिल्कुल भी नहीं, जिसकी मैं बातें सुन रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं। तो वो हुआ ये कि वो जब मिलने आई लड़की मुझसे एक जगह पे, वो होता है ना कि वो गैंग आता है दो का,
कि एक अच्छी वाली होती है, एक प्यारी वाली होती है और एक बुरी वाली होती है. जो मिलने आती है वो अच्छी वाली होती है और जो साइड वाली होती है वो बेचारी ऐसी होती है. तो उस दफ़ा उल्टा था, जो मिलने आई वो जो थी वो बस वो सदमा थी. सदमा थी ये लॉटरी और ये है खुशखबरी थी. लेकिन ये हुआ कि फिर उससे मेरी, मैंने उस लड़की ने इसका नंबर नहीं दिया मुझे. वो उसको समझ आ गई कि मेरे इंटेंशन कुछ और है. वो इरादे भांप गई. भांप गई जैसे आपने भांप दिए. हाँ, जैसे मैंने भी आपको अंदर देखा, हमने फौरन लड़कियां मार भेजी. तो वो ये कि फिर मैं लगा रहा, फिर मैं भी मिशन का पक्का था. मुझे याद है एक और चैनल पे मैंने मिशन का पक्का तो मिशन बनाया हुआ था. मिशन था क्योंकि मुझे पसंद आ गई थी हिरा, जो है मुझे पसंद आ गई थी. और फिर हिरा से मैं किसी तरीके से मिला, मुलाकात हुई, फिर हम मिलते रहे. फिर इसको, इसने बताया इसके चार भाई भी हैं और माशाल्लाह सारे बॉडी बिल्डर. और हैदरी के वो लड़के जिन्होंने पकड़ पकड़ के चुन चुन के मारा है कि अगर उनकी बहन को किसी ने देख लिया हो तो. अब ये टास्क नंबर टू था हिरा के मिलने के बाद. अब भाइयों से बात करनी है, भाइयों से बात उनको फेस करना है. चार हैं. हाँ, चार हैं. एरिया पूरा ब्लॉक कर लेते होंगे. हैदरी को विजुलाइज कर, हैदरी के अंदर ब्लॉक हुआ. वाह वाह वाह. अब वहाँ पे जो था सीन ये था कि फिर एक पॉइंट के बाद हिरा ने थोड़ी बोलने सिखाई, अपनी अम्मी को बताया कि मेरी सालगिरह है और मैं मानी को बुलाना चाहती हूँ. तो उन्होंने कहा बेटा ये कोई डिफेंस क्लिफ्टन नहीं है, ये कौन सी नहीं, मेरे पूरे एक थप्पड़ मारे, तुम अंग्रेज नहीं हो. कौन मानी, कौन सेलिब्रिटी, कोई सेलिब्रिटी नहीं. कौन मानी, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी. तुमने उसकी बात कैसे मानी. मतलब फिर यही हुआ कि फिर अब्बू ने मुझे काफी डांटा वाटा. तो मेरे दिल पे, क्योंकि मैं इकलौती थी तो मेरे काफी दिल पे लग गए. मैंने कहा अब्बू ये क्या बात हुई, आप मुझे पसंद है, मानी तो आएगा बर्थडे में, वरना बर्थडे नहीं होगी. तो मैं पाकिस्तानी हीरोइन होगी तेरा. फिर मैंने एक बात बताऊं, जो आज तक मैंने किसी शो में नहीं बताई, इसकी मंगनी मैंने तुड़वा के शादी की. हाँ. मंगनी इसके घर वालों ने की हुई थी. ये सच्ची मोहब्बत से क्या, देखो सच्ची मोहब्बत क्या थी कि इसके मुकद्दर ही आपके साथ जुड़े हुए. जुड़ा हुआ. हाँ. और ये होता है, ये जहाँ पे निकाह एक ऐसी चीज है. मानी मैं आपको बताऊँ, आपको दूसरा भी शायद करना हो. वो मैंने आपके इरादों से अंदाजा नहीं, अभी आपने देख लिया ना. अभी मैंने देखा अभी. तो निकाह एक ऐसी चीज़ है कि जो मुकद्दर में होता है उसी से होता है. अफेयर हो सकता है आपकी मर्जी से, लेकिन निकाह सुन्नत रसूल करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जाना, वो वही होता है जो आपके माथे पे लिखा हुआ होता. तो ये आपके मुकद्दर में लिखी हुई थी. तो फिर तुम क्यों गिला करती हो, तुमसे हमेशा कहना मैं कि मैं जो तुमसे वैसा प्यार नहीं करता. ये आप जो कहते हैं ना शोज में कि वैसी, वो सच्ची माँ कसम खुदा की एक दिन, चार साल हो गए शादी को, एक दिन ऐसा नहीं गुजरा कि इसने कहा हो ये जुमला. अभी कल भी, अभी आज सुबह तुम क्या कहते थी जुमला, प्यार नहीं करते ना तुम मुझसे. ये तो प्यार नहीं करते, ये कोई बात नहीं. मेरे एक दोस्त है, उसके 10 बच्चे हैं. हाँ, ये बात उनकी बीवी रो रो के कहती है मुझे सच्चा प्यार नहीं मिला. 10 बच्चों के बाद कब यकीन आएगा बच्चा. आपका एक बेस्ट डायलॉग है, मैं बताती हूँ आपको. वो स्टेज शो था, मैं देख रही थी आपका. सबसे अच्छा था, आप रिश्ते करा रहे थे ना, तो लड़के वाले आ रहे थे देखने, तो पीछे आपकी जो है वो लड़कियां खड़ी, बेटियां थी उसके पीछे अम्मी थी. तो जब वो सब चीज़ें थी, कहते वो लड़का, लड़के वाले का जो बाप है वो कहता है भाई तुम्हारी बेटी तो बिल्कुल माँ पे गई है. अम्मा ताड़ ली तू रहे, हाँ गुलदस्ता नहीं दिख रहा तुझे. तो आपका रिश्ता जब तय हो गया, अच्छा तय कब हुआ, ये तो हो गया सालगिरह पे नहीं आएंगे, फिर आए सालगिरह पे. नहीं सालगिरह नहीं, नहीं फिर नहीं, सालगिरह नहीं. फिर अब्बू को महसूस हुआ होगा. नहीं फिर अब्बू को शक हुआ कि ये क्या है, मतलब ये क्या बातचीत हो रही है, कुछ है, क्योंकि मानी ऐसे तो नहीं आ सकता ना. तो ये तो रात को जो बातें हो रही है वो मंगेतर से नहीं हो रही है. तो इस तरह का खैर हुआ था, अभी सब देख रहे होंगे शो, मगर इतना कोई मसला नहीं है. ये तो आपकी शादी हो गई ना माशाल्लाह. बहरहाल वो आपका ब्रेक हुआ जो आपकी एंगेजमेंट थी और ये आपकी जिंदगी में तुमने क्या मतलब वो गैंग लेके गया था. लेकिन नहीं गया था, लेकिन जो मुझे उस वक्त सिचुएशन ये थी कि मैंने भी हीरा को फोर्स किया. मैंने कहा हीरा यार कर लेते ना शादी. और हीरा तो माशाल्लाह से आपको कभी, ये एक खुद एक करेक्टर है, इस पर एक किताब, दो नहीं तीन चार किताबें लिखी जा सकती, लिखी जा सकती हैं बिल्कुल. क्योंकि हीरा जो है इसका गुस्सा एक अलग तरह का है, इसका जो है लाड़ एक अलग तरह का. चार भाइयों की इकलौती बहन. हाँ जाहिर बात है. तो अब ये जो था ना, मुझे समझ नहीं आ रही थी क्या करूँ. फिर मैंने सेप लिया, अपने घर वालों को बोला मैंने, पहले देखा मैंने कहा आप जाएं. अच्छा मेरे अब्बू को देख के रिश्ता हुआ कसम से. मेरे अब्बू को देखा, उन्होंने कहा इतनी शरीफ आदमी है, टीवी पे इतने अच्छे रोल्स किए उन्होंने. एक इमेज होता है. हाँ अच्छा मेरा इमेज ये था कि लौंडे लपटे हैं, कुछ भी मुंह में आया बोल दिया. बहुत से लोग मुझे कहते हैं यार तुम्हारे मुंह में कुछ भी आता बोल देता हूँ, मतलब जो भी. तो मैं कहता हूँ यार मैं सोच समझ के कुछ भी बोल देता हूँ, ऐसी बात नहीं है. तो अब्बू जब गए तो मामला ठंडा हुआ.
अबू को देख के उनको फैमिली भी है, बैकग्राउंड भी है, तो ये सीन तो रिश्ते हो गया, रिश्ते हो गया। फिर मैं डगमगा गया। हाँ फिर 6 महीने तक हमारी बात नहीं रही। नहीं नहीं नहीं, वो रिश्ते लाने से पहले हो गया। माने माने को तरतीब खराब ना कर देना। तो ये ऐसा भी हुआ था कि 3 महीने मानी ने मुझसे बात नहीं की बिल्कुल, कट ऑफ तो मैंने भी नहीं की। तो मानी का एक दिन फोन आया, हिरा तुम्हें एक्टिंग करनी थी ना। मैंने कहा जी कौन, मैंने थोड़ा एटीट्यूड, मैंने कहा जी कौन, कह रहा है यार मानी बात कर रहा हूँ, मतलब तुम्हें एक्टिंग करनी थी ना तो तुम करो, एक प्ले मैं लिख रहा हूँ। मैंने कहा मैं बहुत बिजी हूँ भाई। फिर मानी का दोबारा फोन आया कि 2 दिन बाद में अपने पेरेंट्स को भेज। आपने कहा आई एम सॉरी मैं बहुत बिजी हूँ बाय, कट करके मानी पे गए, वायलेंट मानी के ऊपर ओवरलैप हो रहा है। करीना करूं क्या करें, सुनिए आप शाहिद कपूर ना कर बैठे। एहतियात एहतियात कीजिएगा। सुनो एक बात बताओ, तुम बीमार हो? नहीं हो? देखो शादी तो मैं भाग के करूंगी, इमान से बड़ा मजा आता है। मशीन के जरिए तुम फोन पे हाथ कान में लगा, हाथ लगा फोन लगा, अब तुम हिरा से फरमाइश करो कौन सा गाना, उसी टोन में बात करो। हिरु, हिरु। सब लोग कोई नहीं देख रहा लेकिन अल्लाह देख रहा है। मानी अब्बू आ रहे, एक सेकंड होल्ड करो, होल्ड करो। अब्बा यार जी अब्बू। बेटा वो मेरी दवाएं कहाँ रखी है? अब्बू मैं देती हूँ, एक सेकंड रुके देती हूँ। बेटा जल्दी दे दो, मेरे सोने का टाइम होने। जी जी तुम किससे बात कर रही थी फोन पे? अब्बू अनिला है। अनिला? हाँ भाई कभी हमारी अनिला की अम्मी से ही बात करा दो। अबू अनिला की अम्मी की फौतगी हो गई। अच्छा बेटा चलो मेरी तरफ से फातिहा पढ़ देना। चले गए। अबे किस मनुष्य की आवाज थी? ओए मेरे अबू तो शर्म नहीं आती तुम्हें? मैंने क्या पता नहीं कौन आ गया बीच। यार हिरा यार वो नाजिया से वो सुना ना, वो नहीं था सूरज ढलता है। मानी अभी सुना दो। अच्छा फिर मैं जाती थी वॉशरूम में ताकि आवाज में इको और इम्प्रेस हो मानी। मैंने पहली आवाज निकाली दिलीप कुमार की, तो मैं बाथरूम में था, मैंने लोटे में आवाज निकाली। अच्छा अब आपने गाना शुरू कर दिया। मेरा गाना यार कौन सा गाना गाया था आपने? आप 4 साल पीछे ले गए मुझे अभी। आप यकीन करें उमर भाई, मतलब मैं तो अगर आपकी शादी को 50 साल हो गए तो मैं आपको 50 साल पीछे ले गया। माजी में जाना कभी कभी अच्छा भी लगता है। हाँ बहुत माजी, बल्कि पता नहीं क्यों दलक तो नहीं वैसे माजी। हीरा नहीं अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये कहती है कि ऐसे इसकी फरमाइश देख, इसकी वीडियो नहीं, आपका माजी सुनने और सुनाने वाला है। हीरा कहती है यार इस दफा जो हमारी शादी की सालगिरह, इसकी फरमाइश सुने जरा प्लीज आप लोग भी। कहती है इस दफा ना मैं दुल्हन बन के आऊंगी, ये फरमाइश है। कहती नया टेंट सेट होगा तो तुम भी इस तरह ना मुझे रुखसती करके लेके जाना। मैंने पागल तो नहीं हो किस तरह की और पीछे बच्चे रो रहे हैं आई अम्मी आई अम्मी, ये कौन आदमी है? एक तो हो गया ना, एक तो है, एक बच्चा तो है, वो तो रोई वाकई में, वाकई में वो तो पीछे अम्मी लेके आ जाएंगे आपकी। अरे भाई रुखसती तो हो रही है, बच्चा तो ले जाओ अपना। अभी हुई ना मुश्ताक अहमद की रुखसती, वलीमा होगा 25 साल बाद। 17 साल बाद हुआ और उसके बच्चे वली में शरीक थे। बिल्कुल नहीं सच्चे वाकई है ये, और ये ऐसा करना चाहिए इतना लेट वली माँ है ना, नहीं अट्रैक्शन रहती है। बच्चे अब्बा के वली में पलेटे लगा रहे हो। तो आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो
बाप बन जाए, हाँ हाँ बाप बन जाए, मैं इंसान हूँ को फरिश्ता नहीं, ये पहले मैं आपको बता दूँ, मैं इंसान हूँ मैं फरिश्ता नहीं, मेरे कुछ इंसानी हकूक हैं और कुछ लोगों के मुझ पे हकूक हैं। माने की मोहब्बत ऐसा ऐसा खुलती जा रही है। हीरा की कहानी में ट्विस्ट आ रहा है, क्या आ रहा है कि इनको पता लग रहा है कि इन लोगों ने पहली दफ़ा क्या गुफ्तगू की थी और अब्बू आते तो किस तरीके से अनीला बन जाती थी। अब्बू के सामने टेलीफोन पे मानी का अनीला बनना कमाल है, तो माइंड नहीं करते थे कि मनीला बनती थी। नहीं मुझे आदत हो गई थी। अगर अगर तू बनाती ना उस वक्त अनीला और घबराहट में मानी का नाम मिक्स करके लेती, पूछो अब्बू बन के कौन है और तुम्हें दोनों का नाम निकल जाता, क्या बनता? कौन है बेटा? बेटे अब मनीला। अनीला और मानी मनीला हो जाते। रात न रात मनीला एक बहुत खूबसूरत जगह है, फिलिपाइन का एक बड़ा शहर है और वहाँ जाते हैं लोग अपने हनीमून के लिए भी जाते हैं, बड़ी खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस है, आप भी कभी जाइएगा जरूर। लेकिन हम तो जा रहे हैं छोटे से ब्रेक के ऊपर, मानी हमारे साथ मौजूद है और खुल चुकी है सारी शादी की बातें, हम लेके जाएंगे इसको वलीमे तक, वलीमे तो बच्चे तक लेके जाएंगे, आप कहीं मत जाइएगा, डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बहुत हजरत हम जब ब्रेक पे गए थे एक बड़ी खूबसूरत बातें छोड़ करके गए थे, उन बातों को हम दोबारा से जोड़ेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं इंतहाई हमारे प्यारे मानी और उनकी मिसेस हिरा मानी। अच्छा अगर आप आपने तो खैर आपने आपने तो ज़्यादा पहले आपकी एजुकेशन हुई होगी, हाँ, आपके जहन में तो नहीं था ये, तो इन्होंने आपको कहा कि मैं एक्टिंग करूँ या आपके जहन में था कभी? नहीं मैं ऐसे में स्कूल में बड़ी एक्टिव होती थी एक्टिंग में, और वो स्कूल की जो ड्रामेटिक सोसाइटियां होती है वो, और मैं असली में भी थोड़ी फिल्मी किस्म की लड़की है। अच्छा थोड़ी मेरे दिमाग में था कि शादी होगी तो फिर हम पहाड़ों पे डांस करेंगे, पता नहीं क्यों। अच्छा जब शादी हुई तो क्या पहाड़ों पे डांस किया? नहीं उमर भाई, पहाड़ों पे गए ना हम लोग, पहाड़ों पे गए वो भी सलामी के पैसों से, पहाड़ गवर्नमेंट के सलामी है तुम्हारी, इसका क्या था बीच में? उमर भाई का चुम्बा भी तो होना चाहिए ना। नहीं ये मुझे बताओ पहले एक बात, सलामी है इसकी पहाड़ गवर्नमेंट के, अल्लाह के पहाड़, और तुम घूम फिर के आ गए, मैं खुद भी तो गया था साथ में, मैं भी तो था। आप सुने उमर भाई, तो पहाड़ों से भी तो पूछो कि उनको कहीं नागवार तो नहीं गुजरा आपका। नहीं नहीं अच्छा ये समझ के गई थी कि ये पता नहीं वो हम गए वहाँ पे तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं नहीं बात ये सुने ना, हाँ था तो बड़े मजे का, फिर था कि वो बहुत अच्छी एक काम करते ना, मैंने अपने तीन कजन्स भी ले लिए तो हम लोग सब मिलके, मैंने कहा कजन से, मैंने कहा ये कौन सा हनीमून है, कजन भी है कजन में, हनीमून में कजन नहीं सारे मेरी जो क्या नाम है, मतलब मानी का ही कहना है कि जब ग्रुप हो साथ मजा आता है यार, तो और मैं थोड़ी फिल्मी के बता रही हम दोनों, आपने कहा कि फिल्मी शाम का टाइम पीछे से आए गुलाब का फूल लगाया, बिल्कुल ठीक है, क्या बात है, पूछो कौन आपका रेडियो। आपकी हनीमून वाली कैसेट याद आ गई मुझे, बेगम उठ जाओ, आपकी वो सुनती थी वो 80 की है बिल्कुल, 1980 की, आप देखे ना मैं, इसका मतलब है 1980 में आपने सुनी, उस वक्त आपके कान काम कर रहे थे। मैंने आप सुनी थी, सुनी थी नहीं, आपने अभी सुनी है? हाँ थोड़े अरसे पहले, अरसे पहले आपने सुनी, हाँ तो आपने थोड़े अरसे पहले मानी को सुना था? मानी बहुत सुना है मुझे, सुना था आपको साफ समझ में आ रहा था मानी? हाँ पता नहीं कि अल्लाह की तरफ से ना, और भाई मुझे अल्लाह तआला ने ऐसा माइंड मेरा ट्यून किया कि मुझे मानी की एक एक बात समझ आती है, एक एक बात पता नहीं कैसे यानी आहिस्ता बोलता होगा ना टेलीफोन रोमांटिक आवाज में जी नहीं हाँ और अभी आपकी वो बात जो आपने कहनी थी वो तो रही गई होगी। तुम्हें गिला हमेशा ये दूसरी तरफ की सुनता ही नहीं, इसको क्या नहीं मिला जिंदगी में, तुम्हें जिंदगी में क्या, आप गेस्ट है
भाई मुझे ये बताइए आपको जिंदगी में क्या मिला और क्या नहीं मिला? नहीं मिला तो सब कुछ है माशाल्लाह अमर भाई। फिर भी फोन हंस रही है अभी, कहानी मिलने पे हंस रही है, फोन भी तो करेगा नहीं, इसका मतलब इसे कोई अजीब चीज मिली है। आज जो मिला ना मुझे आप यकीन करें बड़ी हमें जो चीज मिली वो आज हमारे लिए बहुत बड़ा तोहफा था भाई। मेरी तो एक ख्वाहिश थी उमर भाई से कभी मिल लूं, मैं इनके बड़ी बड़ी फॉलो करती हूँ इनको और इनकी सारी कहावतें मुझे अच्छी तरह याद हैं। तो आज मैं थोड़ी सी ना परेशान हूँ, समझ नहीं आ रहा तो हीरा के साथ फिर वो हम वहाँ पे थे ना कि टेलीफोन पे गाना सुनाया, उसके बाद आगे मसले वहाँ से बढ़े, आगे से कैसे टेलीफोन पे गाना सुनाया आपको और आप टेलीफोन के इनके फैन हो गए गाना सुनने के। हाँ, उसके बाद सीडी और ये खर्चे बच गए मेरे, मैंने इतने सुने इससे गाने, इससे फिर मैंने वो कौन सा सुनता था, एक और गाना था। तुम बहुत सुनते थे माशाल्लाह गाने बहुत। अच्छा इन्होंने बताया ना कि मैं फिल्मी टाइप की थी, ये थी, ये थी। इसके जहन में भी यही था, ये था। कोई एक ऐसा आए ऋषि कपूर टाइप का, ऋषि कपूर वाला। नहीं उमर भाई मैं आपको बताती हूँ, जब मैंने मानी को तो अमूमन मैं टीवी पे ही देखती थी, बस कोई ऐसा बंदा मानी जब आता था तो मेरे ऑटोमेटिकली हाथ रुक जाता था, हालांकि इतना लुक्स में उस वक्त अच्छा भी नहीं था, मतलब आपको पता सबको ही पता है। नहीं जो सच बात देखो मैं आपको एक बात बताता, बात वो सही कर रही है मगर दूसरे अंदाज में कर रही है। अंदाज ये है कि हमेशा याद होगा ये अंदाज है कि शोहरत की अपनी एक खूबसूरती है। क्या बात है। एग्जाम्पल देता हूँ आपको, रंगीला साहब, बिल्कुल वही रंगीला साहब जो छोटे छोटे सीन करते थे फिल्मों में, जब अल्लाह ने उरू जो शोहरत दी तो निश्चय जैसी हसीन औरत ने कहा कि वे सब तो सोने हाय वे मनमोहन है। क्या बात है, ये है चीज याद रखेगा। ये तो और जितने राजकुमार हमने कह दिया है इस तक के साथ सारी हसीन औरतें आई क्यों आई इस पे रिसर्च हो रही है कि क्यों शोहरत है। हाँ। तो फिर मानी तो उनके सबके सामने राजेश खन्ना है। हाँ, उससे भी तो नहीं मानी मेरे लिए तो खैर शुरू से ही इससे पूछेंगे जब ये पहली दफा मुझे इसने देखा। मैं वही आ रही हूं। नहीं प्लीज आप जब आपने पहली दफा इनको देखा तो मैं बहुत समझे, मैं बड़ी शॉक्ड हो गई कि ये तो डोले शोले भी बने हुए, भाई का रंग भी गोरा है, मतलब ये तो अच्छे है, अच्छे मतलब गुड लुकिंग सा है, और मुझे मुझे बड़ा एकदम से सलमान खान टाइप का लगा। हाँ दिमाग में मतलब जो था ना सलमान था आपके दिमाग में, दिमाग में सलमान था। नहीं सलमान खान नहीं था, मतलब स्पाइक्स थे दिमाग में, सलमान था देखा तो ये सामान था। और ये भी शेर हो गया तो शेर हो गया, क्या बात है, क्या बात। और ये भी सलमान था, ये भी सलमान था। तो मैंने देखा तो मुझे बड़े पसंद आ गए, मैंने कहा तो दिखने में भी अच्छे हैं, तो बस सुनने में तो अच्छे थे। हाँ सुनने में तो थे ही अच्छे, तो बस फिर ये अच्छा हुआ कि हो गई सब। अच्छा आपने एक बात अभी की थी, हमने कहा था मुझसे जरूर पूछिएगा। हाँ, वो बताइए। हाँ वो ये हुआ कि शक्ल सूरत में मेरी कोई नॉर्मली हूँ, अभी भी हूँ, एक मैंने बड़ा काम किया इसके लिए, बिलीव मी नॉट। मैं जब आया था तो मेरा इसके लिए हीरा के लिए, हीरा के लिए नहीं, वैसे भी मतलब मैंने टीवी पे आते हैं तो बंदे को अच्छा दिखना चाहिए, टेलीविजन पे खाली सारी जिंदगी बातें नहीं बेच सकते आप, मुश्किल है, नामुमकिन बात है कि आप टीवी पे आ रहे हैं बातें बेच रहे हैं। तो मैंने उसके लिए फिर काम किया, जिम स्टार्ट किया मैंने, और मैं टेलीविज़न इंडस्ट्री में हमारे इधर कराची सेंटर में जितने भी लोग हैं उनमें मैं पहला था कि जिसने जिम स्टार्ट किया, उसके बाद बहुत लोगों ने किया, और जिस जिम में मैं जाता हूँ वहाँ पे बहुत सारे स्टार्स और भी आते हैं। तो मैंने ये काम किया, फिर मैंने अपने रंग को सही किया क्योंकि मैं तो पैदाइशी तो गोरा ही पैदा हुआ था, उसके बाद खा के और फिर के रंग गंदुमी हो गया था। स्ट्रगल की मुझे याद नहीं है स्ट्रगल, क्योंकि जो बंदा स्ट्रगल कर रहा होता है ना उसको नहीं याद होती स्ट्रगल, वो तो अपनी जस्तजू में लगा होता है और मेहनत जिससे जो मैं वैसे पता नहीं देखने वाले नोट कर रहे होते हैं कि ये बंदा क्या कर रहा है। बिल्कुल। अच्छा एरा जब ये शादी हो गई फिर ये आप इनके साथ इस शो में कैसे हैं जब आप कंबाइंड बैठ करके शो करते हैं? अच्छा उमर भाई हमें ना काफी लोगों ने क्योंकि शादी हो गई तो वो तो आपको पता है गेस्ट की कमी बहुत है हमारे सामने, तो बस बीवी को भी ले आओ गेस्ट, तो मैं चली गई गेस्ट बन गए मानी के साथ। अभी टीपू के बच्चे आ रहे हैं आजकल, मतलब ये है ना कि जो चलो वो भी अच्छा लगता है, मॉर्निंग शो पे वालों ने नजरें रखी हुई है कि इसके यहाँ क्या हो रहा है। और कुछ तो ऐसी हैं हमारी होस्ट जिन्होंने सब पहले दिन से बताना शुरू किया वो हैं क्या, वो नहीं नहीं क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। और दो दिन पहले तक वो टीवी पे बैठी रही के अब बस अब दो दिन बाद में नहीं आऊंगी,
वो भी है, ये भी हो रहा 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 है। मतलब एक होस्ट को इतना इन्वॉल्व होना पड़ता है अपने चाहने वालों के साथ। और शोबिज़ में ये है कि हमारे यहाँ स्टार जो है उनकी कमी है, वैसे ये बात तो है, चैनल ज़्यादा हैं, स्टार जो है ना, मतलब एक होता है कि टीवी पे एक बंदा आ रहा है, एक बंदा होता है जिसमें कोई एक्स फैक्टर होता है। मतलब मैं कहता हूँ कि बहुत से लोग नहीं, बहुत से लड़के आते हैं एक्टिंग कर रहे होते हैं, उनमें वो एक्स फैक्टर नहीं होता, मतलब लोग उनको जानते हैं लेकिन शायद उनको भाई आप टीवी पे आ रहे हैं वो तो पहचानेंगे पहचानेंगे दर्द से। लेकिन एक होता है पसंद करना और ना पसंद करना। नहीं, आप में कोई एक ऐसी यूनिक चीज होनी चाहिए जिसको आप, जिसके बिना पे आप क्लिक करें, क्लिक करें। अच्छा एरा बच्चा किसके पास छोड़ के जाती है, साथ लेके जाते? नहीं नहीं, इसकी अम्मी अक्सर जो है वो उनसे हिला हुआ। इनकी अम्मी अब काम आ रही है, जो जो कल तक नाराज थी अब काम आ रही है। हालात अब आपके फेवर में हो गए, अब जो लोग तंग करते हैं उनको बच्चा पकड़ा के जाओ, पकड़ो। बहुत बातें करती थी ना, अब पालो बच्चे को। अच्छा इरा एक बात बताओ, जो एक बड़ी बड़ी अहम बात है जी भाई, सहेलियां भी तो इसमें शादी के अंदर एक बड़ा करेक्टर होती हैं, सखियां। हाँ बिल्कुल। जब वो सहेलियां जमा हुई और मानी साहब की आपकी एंगेजमेंट हुई होगी, जो भी रिश्ता तय हुआ बात हो गई, अब उनको पता चल गया आपकी शादी मानी से हो रही है, सहेलियां क्या बातें करती थी आपसे? अच्छा मुझसे तो कहती थी वाओ तुम बड़ी लकी हो, पीठ पीछे बोलती थी, जो कि मुझे कोई बता देता था, पता नहीं इसको कैसे मिल गया मानी, पता नहीं इसकी शादी हो भी रही है कि नहीं, मानी इससे कहाँ शादी करेगा, इस तरह की बातें। इसकी रेपुटेशन ठीक नहीं थी। नहीं इसकी रेपुटेशन अच्छी थी, इसने खुद ने बताया कि मैं क्या बताया था, फिर रिपीट करना। नहीं इसकी रेपुटेशन हो चुका, ऐसी नहीं है, लेकिन बहुत लोगों को बता दी ये बात। हाँ, और आप बड़े मजे की, मैं आपको बात बताती हूँ, मेरी एक बेस्ट फ्रेंड, वो भी इसकी दोस्त थी, वो भी शादी के हो, शादी जब हो रही थी उस दौरान मायने कहा तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड नहीं, मैं तो बताऊंगा। मैंने कहा तुम्हें कैसे पता नहीं है? क्या देखो मैं इसको फंसा देता हूँ, ये फंस जाएगी। मैंने कहा नहीं ये फंस ही नहीं सकती। हाँ? और मानी ने उसको भी फंसा लिया, फंस भी गई। मतलब ये है, ये इसके पास एक बाबा है, ये गुर है, गुर है। जिसको इसको तवीज देता है, उस तवीज पर ये काम करता है ना। ये कॉन्फ्रेंस कॉल पे पहला हादसा हुआ था, और तो उसने कॉन्फ्रेंस मुझे मिला के बताया, वो वही मेरी दोस्त, वो कह रही हाँ मुझे पता है मारी। प्लीज एक मिनट रुक जाए, बहुत नजर आप, मामला बहुत संगीन होते होते जा रहा। मानी की वाइफ को उसकी एक सहेली बता रही है कि मानी, और मानी बता रहा है कि ये लड़की मुझसे सेट हो जाएगी। ये कॉन्फिडेंस कब आता है? जब इंसान गुनाह की इंतहा कर दे। वापस आ गए हैं, आपने देख भी लिया हम वापस आ गए, और हमारे मेहमान वही हैं, क्योंकि हमारे मेहमान इतने दिलचस्प हैं और इतने मतलब ऑनेस्ट हैं। एक तो हमारे शो का नाम है शरीफ शो, ऊपर से मेहमान आ गए सच्चे, सच्चा शरीफ शो हो गया। और मानी और उसकी मिसेज से पहले भी मिला हूँ और आज भी मिला हूँ, ये दोनों बहुत ही खुले दिल के लोग हैं, और इनकी सबसे अच्छी अच्छाई ये है कि अपनी किसी खामी को छुपाते नहीं है, दोगले नहीं है। हाँ ये एक बड़ा फैशन चला हुआ ना, हम मेरे बच्चे तो कभी जिंदगी में ये मिठाई को टच भी नहीं करता। अब जैसे ही बच्चा आया पहले प्लेट गिराई, लड्डू नाक में डाल लिया उसने बच्चे ने, अब लड्डू निकालने सब नाक में गए हैं। ये जो है ना, हम होना चाहिए यार मेरा बच्चा भाई बहुत शत माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत शरीर है, कह दो क्या प्रॉब्लम, क्या फर्क पड़ता है। आप उसका है मैं ही बड़ा पेम्पर करके लेके जाते हो, दो मिनट में सारा खोल के रख देते हैं। तो मुझे मानी की और हिरा की ये बात आज बहुत अच्छी लगी है, मैं इनसे मिलता रहा हूँ और मिलता रहूँगा इंशाल्लाह, क्योंकि इन्होंने आकर के शो में बड़े, आप लोगों ने बड़ी ऐसी अपनी पर्सनल बातें भी करी। अच्छा आइडियोलॉजी एक चीज़ है, वो हर एक के साथ होती है, आपको कौन सी हीरोइन पसंद है पाकिस्तान और हिंदुस्तान में? पाकिस्तान में फिल्मों से तो मुझे फिल्में बहुत कम देखी मैंने, लेकिन एक आती थी कविता संगीता बाजी की, संगीता बाजी की जो बहन थी वो, उनमें वो स्पार्क था जो किसी हीरोइन में होना चाहिए था पाकिस्तान की, वो कम आई, हमेशा बहुत कम ही रही। वो 15 फिल्में की होंगी उन्होंने, नहीं 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 बहुत फिल्में बहुत थी। मैंने 15 देखी होंगी। आपने 15 देखी नहीं, आप भी काफी पुराने आदमी यार, कविता कोई नई आर्टिस्ट नहीं थी, माफ कीजिएगा। नहीं रिपीट में बहुत सारी फिल्में चलती रही ना, सैयद नूर ने उनकी पहली फिल्म लिखी थी। उस जमाने के हो मानी, और बोला मैं जान नहीं देगी।
अच्छा इंडियन अच्छा इंडिया में बताइए। इंडिया में चेंज होती रहती हैं। कैटरीना कैफ मुझे पसंद थी लेकिन उसकी टांगें लंबी हैं और ऊपर वाला हिस्सा छोटा। मैं ये इस तरह तुमने इस बात पर छोड़ दी कि गरारा महंगा बनेगा। आई फील यू। बहुत अच्छी लगती है मुझे। अच्छा ये हो गया। आपने कैटरीना और कविता दोनों केस हैं। अच्छा गुलकारों में क्या आइटम पसंद है? गुलकारों में मैं सुनता हूँ, वैसे अजीब सी बात लगेगी लोगों को, अंग्रेजी मेरी बड़ी कमजोर है, सुन लेता हूँ गाने में पॉल साइमन और क्या मैं यूट्यूब। तो उनके तो आप सुन लेते हो, वो तो सही गा रहे हैं। नहीं हमारे यहाँ पे जो है मुझे जो अच्छे लगते हैं वो मुझे लगता है कि शहजाद राय का विजन है, जो भी है गाने की आवाज़ पे नहीं आ रहे अभी, लेकिन एटलीस्ट कोई शहजाद राय को आप ये कह सकते हैं उसने ट्रैक चेंज किया। चेंज किया अच्छी बात। उसने बोला कि मैं अगर इस गाने के जरिए मैसेज भी दे दूं तो दैट्स गुड। तो ये पाकिस्तान के जो हालात हैं उसके अंदर रहते हुए शहजाद राय एटलीस्ट कोई एक डेढ़ इंच की मस्जिद बना के कुछ कर तो रहा है एटलीस्ट। बाकी म्यूजिशियन आजकल बड़े ठप पड़े हुए बेचारे। और मेरा ख्याल शायद ये इंडस्ट्री बिल्कुल हमारे यहाँ अजीब सा होता है कि 6 महीने इंडस्ट्री ऊपर होती है फिर चली जाती है। ये हमारे यहाँ हालात बहुत ज्यादा वो करते हैं। अच्छा आप बताइए हीरा, आप मुझे एक बात बताइए, फैशन पे बिलीव करती हैं कि फैशन भी एक जरूरत है? फैशन इतना फैशन को फॉलो नहीं करना चाहिए आपको, मतलब जो चीज़ आप पे कैरी करती है आप वो करें। आप इतने बड़े हैं, आपने जीन्स पहन ली टाइट है? तो वो भी गलत है। तो हाँ मतलब गलत है ना, कुछ पहन रही औरतें देखा हाँ। मैंने देखा। आपने क्यों देखा? मैं उनको नहीं देख रहा था, मैं देख रहा था किस कंपनी की जीन्स है। मैंने एक बड़ी फैशन डिजाइनर से पूछा था यहाँ पे कि आपका ड्रेस तो आखिरी जो है वो 25,000 से शुरू होता है, तो ये गरीब गुरबा कैसे पहनेंगे आप? 5-5, 6-6 लाख के सूट पहनते हैं, कैसे पहनेंगे आप? वैसे भाई तो भाई ये जो सुबह के वक्त भी ये शुरू हुआ है आजकल ये नमूद नुमाइश कि वो जो खवातीन पहनती हैं कपड़े वो बड़े महंगे होते हैं भाई दबे, ठीक ठाक महंगे कपड़े होते हैं वो, मगर वो जो देख रही हैं उनकी रेंज के तो नहीं है। मैं एक बात बता दूं, वो उनकी रेंज के तो नहीं है ना, थोड़ी देर के लिए पहनते हैं फिर हम डिजाइनर को वापस करते थे। लेकिन नहीं, वो डिजाइनर की बड़ी शादी होती है, जो पाकिस्तान से बाहर खवातीन रहती है ना इनके बड़े ऑर्डर आते हैं, शुरू करते हैं हम लोग। मिल गया उमर भाई, क्या कपड़ों का काम शुरू करते हैं कपड़ों का? मैं तो जब बोलो मैं तो कसम तुमको उसके बड़े जोड़े सिलते हैं। हैं शबे बरात, ईद, बकरा ईद, 14 अगस्त का भी शुरू होती है, 14 अगस्त, 23 मार्च, 25 दिसंबर, नहीं नहीं ये हर तरह के ड्रेस हैं इसके, हर ओकेजन का एक ड्रेस बनाती है ये अभी भी। हाँ अभी इन यार उसका हक है, तुम क्या चाह रहे हो एक जोड़े में पूरी जिंदगी गुजार रहे और झूठी बातें? पेशावर से आया हो तो नग नग है, नग पेशावर का होता है, डायमंड की रिंग। आपने ओरिजिनल डायमंड पहने हुए? नहीं नहीं मैंने नहीं पहना, बस सब जरकून है, नकली है भाई। लेकिन यार ये भी तो है ना, मानी देखो ना लूट मार कितनी है। अब अगर बेचारियां औरतें बेचारियां बता यानी कि सोना पहन के जाएं, मैंने देखा सिविल हॉस्पिटल में एक लूटी भी बारात, अल्लाह माफ करे, तौबा इस्तगफार। अच्छा ये हीरा भी कहते हैं? अरे यार मैं सही बता रहा हूँ, को एक बारात लूटी हुई सिविल हॉस्पिटल में, उसमें लोग चिल्ला रहे और दूल्हा सेहरा नहीं उतार रहा है। उसको डॉक्टर कह रहा है सेहरा उतारा है या टाके लगने का, नेक शगुन नहीं है। अबे नेक शगुन क्या, पूरी बारात लुट गई, कौन सा शगुन नेक हुआ, तमा हो गया। अम्मा उसकी कहीं बिचारी उनकी बालियां खींच ली किसी ने। हाँ। वो कह रही है रफीक है ही बदनसीब ही है, ये पैदा हुआ था उस दिन भी मेरे घर में आग लग गई थी। अरे उतार ले सेहरा, कुछ नहीं होता। वो कह रहा अम्मा तुमने तो मना किया था, वहाँ औरतें चिल्ला रही हैं, वहाँ एक आदमी खड़ा रो रहा है कि मैं पहले कह दिया था इनके मामू को ना बिठाओ, जिसका मामू इतना मनहूस था। एक मामू होता है, एक मामू होता है हर घर में, वो शादी में नाराज भी होता है अल्लाह की कसम, और जनाजे में नाराज होता है तो शादी में खुश हो जाता है। फिर उसको घसीट के लाते मुंह दिखाने के लिए, मैंने देखूंगा मैंने कसम खाई थी इसका मुंह नहीं देखूंगा। फिर देखता है और शादी वाले दिन रो के शौहर से कह, उसकी मतलब अपनी भांजी के शौहर से कह रहा होता है इसका बहुत ख्याल रखना, 500 रुपए दिए होते पूरी शादी में सिर्फ। शुगर ये कहता है कि इसका ख्याल रखना, शुगर ये नहीं कहता है तुम्हारे हालात अच्छे हो तो मेरे 500 वापस कर दो। एक मामू है इनके कहना, इन्होंने मुझे कहा था कि मेरी बच्ची का ख्याल रखना, मैंने कहा इनकी बहुत गरीबी है, हालांकि शादी में यहाँ से मैंने जब मिल रहा था तो किसी एक ओकेजन पे भी नहीं थे, और उन्होंने सबसे ज्यादा मुझे बार बार रोके कर दे इसका ख्याल रखना, सुनाओ ख्याल रखना, इसका ख्याल रखना।
मारे का ही तुम्हारे बहुत अजीज लग रहे हैं, कितने क्या क्या दिया है ना वानी, 500 500 वाले होते हैं, 500 रुपए में कितना टाइम लिया साथ में, रात को हमने बैठ के गिने थे ना पैसे, वो हम वो देख रहे थे, गिने होंगे होंगे जिससे आपने वो क्या किया वो सलामी से इसने हनीमून पार में ले गया, वो टिकट भी थे और कजिन्स भी थे और खाना भी मैंने पकाया था, इधर होता है मैं कह रहा आगे की तैयारी करवा रहा हूँ। अच्छा भाई बाहर बाहर कढ़ाई बहुत महंगी है ना, और आप यकीन करें ठंड उमर भाई और बोटियां जमी हुई और टमाटर की कढ़ाई बनाओ तो मेरी शादी को 14 दिन सर्दी और मैंने एक फिल्मी लड़की ना क्या सोच के आएगी, गाने सोच के आई है, गाने सोच के आई है, गाने सोच के आई भी है यहाँ पे। अच्छा वो हुआ ये था मैंने बहुत चंदी सी अच्छा नहीं इसके बारे में इसको थाईलैंड तुर्की में मतवादर वो नहीं बता रही अच्छी जवाब भी था ना हमारे साथ, हमारा फिर हनीमून ये हुआ था कि फिर मुजम्मिल भी होता था हमारे साथ, मेरा बेटा है क्या नाम है माशाल्लाह, तो ये है तो आप लोगों का हनीमून इस तरह का और पैसे सारे सलामी के इनके पहला ट्रिप होती है सही, पीछे पड़ जाती थी ना कि वहाँ जाएंगे। अच्छा हुआ ये था इसका नाम जो था वो चेंज नहीं हुआ था उस वक्त, मसला हो रहा था वीजे लगने में क्योंकि वो था इसका नाम हिरा जमाल है, मेरा नाम हिरा, इसका नाम उनके हिरा सलमान है, तो वो नाम चेंज करने में कोई महीना लग गया हमारे जमाल, और इनके जब रुखसती होगी हिरा सलमान इनकी इनकी अम्मी ने कहा होगा ले अब हिरा समाल तो ये वो था, फिर बाद में गुस्से का भी बाद में पता लगा, मैंने कहा भाई तू पहली तो ऐसी नहीं थी, इनका पहला गुस्सा क्या था, पहला गुस्सा था वो नहीं, सर्दियों में लड़ाई ना बाहर भी सुनी जाती है, सर्दियों में लड़ाई बाहर तक जारी होती है, पंखे नहीं चल रहे होते मैं आहिस्ता आहिस्ता लड़ो बाहर तक जारी तो ना मैं कह रहा हूँ ऐसा लड़ो सर्दियाँ हैं तो हम भी खुल रहे हैं ना, अब वो लड़ाई में भी एहतियात चल रही है, करते करते कहते ये नहीं वो नहीं, उसने यूँ करके मारा तो टीवी मेरा नया 3D टीवी में लेके आया था, मुझे शौक है इस तरह की चीज़ें जमा करने का, ट्रक कर गया वो बंद हो गया लड़ाई बंद हो गई, टीवी रुक गया, फड्डा रुक गया, उसमें बकायदा हम लोगों ने सही किया टीवी को मार मार के सही कर रहे हैं उसको बकायदा, मैंने फिर हाथ वाथ से मतलब उल्टियाँ नहीं आ रही थी आप थपते हैं मुझे किसी खड़े उसमें किसी की उल्टी आ रही हो तो कह रहा मैं आप बकायदा ना टेंशन पड़ रहा है उसके स्प्रे मार रहा हूँ ठंडा कर रहा हूँ टीवी को, मैंने कहा क्या 3D टीवी, मैंने कहा मेरा 3D उसको भी लग गया कि ये बड़ा नुकसान, मैंने कहा ये तो बड़ा आज तक इसने अपने किए थे सारे मोबाइल इसने अपने तोड़े थे, वो हम रुक गए वहाँ पे सब घर वाले मुलाजिम आ गए चला रहे हैं टीवी को चल पड़ा, फिर फटा शुरू हुआ दोबारा हमारा, फिर वहाँ से जैसे टीवी चला सदमा हटा फड्डा आ गया। अच्छा अब ये बच्चा आपका 4 साल का है, 3 साल होगा माशाल्लाह हो जाएगा इंशाल्लाह अल्लाह उसको लंबी उम्र दे, ये बच्चा कभी आपको हैरत से देखता 3 साल का लड़ते हुए जो बच्चे बैठा होता है, पता है उमर भाई हम क्या करते हैं, एक तो हम उसके उसको सामने सुलाके लड़ते हैं, लड़ते हाँ। नहीं देखिए बाकी सब मियां बीबी में लड़ाई होती है फजूल बात है, हम नहीं लड़ते बिल्कुल हाँ। और घर जाते ही चमाटे 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 अच्छी है ना, तो लड़ाई तो सब में होती है वो अल्लाह माफ करे, बट होनी नहीं चाहिए मगर होती है, मगर ये मजबूरी है लड़ाई भी है ना, ये जरूरी भी है, प्यार का बहाना है इसका, प्यार का बहाना और प्यार होता ही लड़ाई के बाद है, हर लड़ाई बस क्रिएटिव होनी चाहिए कुछ अच्छी होनी चाहिए है ना, अगर आप अच्छा कोई बात करें तो उस बात के अंदर कोई बात होनी चाहिए ना कि मैं इसलिए कर रही हूँ, बगैर लॉजिक के नहीं लड़ना चाहिए, लॉजिकल बात होनी चाहिए, शौक के नहीं लड़ना चाहिए, चीजें तोड़े तो अपनी तोड़े, हाँ अपनी तोड़े, अब मैं फोन नहीं तोड़ती वैसे, एक बार कोई काम करो ना यार सस्ती चीनी के प्याले मिलते हैं वो उसको लाके दे दो 3-4 दर्जन, जब प्यालों की तरफ गई अपने रखा हुआ स्टॉक तोड़ा अपनी ख्वाहिश पूरी करी गुस्सा ठंडा हो गया, ऐसा कुछ कर लो ना, ठंड होने के बाद इसको अफसोस भी होता है कि यार ये देखो इतना महंगा मोबाइल था, अब अच्छा टूटता भी अजीब तरीके से ना मोबाइल, अजीब शादी की सालगिरह कैसे बनाते हैं
शादी की सालगिरह उमर भाई के पास सवाल नहीं है। नहीं नहीं क्यों नहीं है, सालगिरह कैसे मनाते हो यार ये बताओ ना। सालगिरह कैसे कैसे मनाते हैं उमर भाई? एक बात बताएं, आपसे एक सवाल है। ये हम अपना सवाल पूछ रहे हैं। अच्छा मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। अच्छा उमर भाई एक बात बताएं, ये जब माठे गेस्ट आ जाते हैं तो आप क्या करते हैं? यही जो कर रहा हूँ। जब मैंने सुना ना आप दोनों आ रहे हैं, मैं आपको हकीकत बताता हूँ। बा खुदा ये मेरे जो मेरे साथ जो कोऑर्डिनेशन करती हैं गजाला नकवी, इनको पता है जो मेरी टीम है कि मैंने इनको आज बोला था, इन्होंने मुझे कहा जी पॉइंट्स लिखवा दे क्या करना है वो बता दे। मैंने कहा देखो वो दोनों जो है ना, मैं उनके साथ कोई वो फॉर्मल टॉक नहीं करना चाहता इस तरह की, और ना उनका कोई पॉलिटिक्स से ताल्लुक है कि मैं उनको कोई सवाल बना के लाके करूं और ये करूं और करूं। मैंने कहा मैं उनसे बड़ी कैजुअल टॉक करना चाहता हूं, बड़ी घरेलू सी, और उसके अंदर वो मैंने कहा वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसलिए मैंने जो है ना आपको आपके साथ गुफ्तगू जो है ना वो इसी शुरू ऐसी हो गई थी हमारी कि फिर वो सवालात की बीच में जो शादी भी रही वो नहीं वो इस अच्छा पब्लिक क्या चाहती है देखना आपको, एक्चुअली पब्लिक चाहती है जो उन्हें पता ना हो। इंटरव्यू वो चाहता है कि यार ये क्या हुआ था, लोग जानना चाहते हैं। लोग तो अपने बैकग्राउंड को चेंज करते। मैंने एक इंटरव्यू किया एक बड़े मशहूर क्रिकेटर का, उन्होंने मुझे गलत बैकग्राउंड बताया अपना कि मैं तो आर्मी वालों का बच्चा हूँ। मुझे पता था वो नहीं है, बेचारे गरीब से किसी। लेकिन हो सकता है बच्चे को पता हो। अब आप लोग गेस करें वो कौन थे, मशहूर फास्ट बॉलर हैं। तो वो ये होता है कभी कभी ना जो होस्ट होता है, मैं भी बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू कर रहा होता हूँ, मैं अंदाजा लगा रहा था कि कहाँ से क्या बात है जो गलत हो रही है। एक इंटरव्यू मैंने खातून का किया, बड़ी मशहूर हमारी टेलीविजन सारे यहाँ पे इस शो में यहीं इस तरफ बैठी हुई थी वो, और आपने नहीं बख्शा था उनको, मैंने देखा। अच्छा उनके साथ मैंने सवाल किया, मैंने कहा आप इतनी प्यारी सी हैं, इतनी हसीन शक्ल है आपकी, सिल्वटलेस है, सिल्वट नहीं है शक्ल में आपकी। मैंने इसके नुकसान भी हैं फ़ायदे भी हैं। नुकसान ये है कि आपको एक जैसे रोल मिलेंगे, हीरोइन नहीं रहेंगी सारी ज़िंदगी, आपको एक गरीब लड़की का कैरेक्टर नहीं कर सकते। आप परेशानी के लिए माथे पे बल नहीं ला सकते, नहीं ला सकती। फिर क्या परफॉर्मेंस करेंगे? हाँ। कहती है ब्रेक में लड़ाई होगी, कहती तुम मेरे बुटॉक्स के टीकों की बात कर रहे हो। उस पर तो मैंने बहुत किया काम। ऐसे गेस भी होते हैं ना, वो तो एक जमाना आ गया था ना ये वाले होंठों का। हाय हाय बड़े मनुष्य होंठ थे भाई। माइकल जैक्सन बन गए कुछ लोग हैं। आप बड़े अजीब अजीब हो गए, किसी का होंठ यहाँ से निकल आया, इंजेक्शन लग गया किसी का, क्या बड़े अजीब अजीब हो गए। उसके वो आपने नोट किया जितनी भी लड़कियों के बुटॉक्स हैं, क्योंकि आजकल सस्ते में होने 5,000-7,000 का टीका है, तो वो सब एक तरह की एक्सप्रेशन है, शक्लें भी एक जैसी फिक्स हो जाती है। कैसे होते हैं जरा बताएं बताएं एक्सप्रेशन बताओ तो कोई मुझे। अच्छा वो जो फिक्स हो गए, हां जो फिक्स हो गए, एक एक के फिक्स हो गए, वही हो गए। मिक्स हो गए, हां फिक्स हो गए ना, फिक्स हो गए। वो जाहिर है वो तो एक बेजान चीज होती है ना, चिपकी हुई है बस, वो समझ ले। हां एक्सप्रेशन उसमें आ ही नहीं सकता। लेकिन ये साइंस की ये भी नहीं नहीं ज्यादा नहीं नहीं ज्यादा यार, यही क्यों ईजाद सारी इस्तेमाल हो रही है एक्टिंग में काम करना। हां एक्टिंग में काम करना। जितना भी आपके साथ मेरी गुफ्तगू हुई है माने और हीरा आपके साथ, यकीन करें मैंने मतलब आपने भी शायद और मैंने भी शायद, मैं तो यकीन है अपने तौर पर बोल रहा हूँ कि मैं तो बहुत ही मतलब है, मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि आपने जितना बताया जितना बोला मैंने जितना बताया जितना, इसमें एक बड़ी लाइफ था ये, इसको हम इंटरव्यू से काम कह सकते हैं, फैमिली गेट टुगेदर नहीं होती है जैसे हम डाइनिंग रूम में बैठे हुए हैं, दैट वाज नॉट इंटरव्यू, इट्स नॉट इंटरव्यू कि एक इंटरव्यू का वो होता है। लेकिन मैं ये क्योंकि आप दोनों बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं और बड़े फरमाबरदार हैं और बड़े बादब हैं, अल्लाह ताला आपको तरक्की दे, इज्जत अता फरमाए। शुक्रिया आप मेरे शो में आए, हमारे शो की इज्जत बढ़ी आपके आने से, और अल्लाह करे कि अल्लाह आपको और इज्जतों से नवाजे। आपकी आमद पर मैं आपका बहुत मशकूर हूँ, बड़ा ममनून हूँ रियली। आपके आने से शो में बहुत मज़ा आया, मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, वेरी गुड, आई लाइक इट। अच्छा आखिर में एक बात कहना चाहता हूँ, आज से कोई कई साल पहले 20 साल पहले शायद उससे भी पहले एक शो हो रहा था एक अपार्टमेंट में हमारे, तो कुछ लड़के थे हमारे, हमने प्लान बनाया उमर शरीफ खड़ा हुआ है उसके साथ कुछ करते हैं, बड़ा उमर भाई उस मतलब माशाल्लाह से अभी तक उनका सीन चल रहा है चले जा रहा है माशाल्लाह और तरक्की दे, लेकिन वो होता ना कि नया नया उमर शरीफ और उमर शरीफ की कैसेटें आ रही हैं, उमर शरीफ की उमर शरीफ नाइट आती थी एक मुझे याद है वह पूरा एक 2 घंटे का शो होता था आप करते थे अकेले, वन मैन एक्ट जो होता था उसमें हमने प्लान बनाया कुछ करते हैं। अब हम छोटे थे वो बड़े वाले जो थे उन्होंने पूरे जुमले भी लगाए हुए थे ना आगे से,
अब यकीन नहीं करेंगे वो लड़के मुझे अभी तक शक्लों में आते हैं। उनके साथ जो हुआ था उस रात को बड़ा आपको याद भी नहीं हुआ, ऐसे बहुत सारे शोज आपने किए होंगे। हां मैं हजारों शो में, लेकिन उसमें आवाज मैंने लगाई थी, वो मैं था आवाज लगाने वाला मैं था। अब देखो तुम आवाज लगा के कहां तक आ गए। सही बात है। ये बात पता है क्या, मैं आपको बताऊं, मैंने मुझ में से मैंने भी दुनिया से लिया और दुनिया ने मुझे दिया, मगर मैंने उसमें बखालत नहीं करी, बखील नहीं हुआ, कंजूसी नहीं करी, मैंने अपने आप में से निकाल के दिया। और आप अगर अपने आप में से निकालेंगे नहीं तो और मजीद किसी टैलेंट की स्पेस कैसे बनाएंगे आप? सही बात है। ब्लेसिंग नहीं हो पाएगी क्योंकि आप ओवरफ्लो हो जाएंगे और ओवरलोडेड होंगे। उससे बचने के लिए बेहतरीन है कि सांप तक जब फुल उसमें जहर आ जाता ना, अब वो उसको ऑफलोड होने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए बेचैन हो रहा होता है कि किसी को मैं मारूं तो ये खाली हो तो फिर अपना बने मेरा। क्योंकि एक चीज है तो जो नेचुरल टैलेंट होता है, चाहे वो दरिया हो, समंदर हो, कुआं हो, उसको आप पता नहीं लगा सकते पानी आ कहाँ से रहा है। स्विमिंग पूल में आपको पानी भरना पड़ता है, तो इसी तरह कुछ अदाकार स्विमिंग पूल हैं उसमें आपको पानी बदलना है, कुछ दरिया हैं, कुछ नहरें हैं, कुछ समंदर हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपने हबीब के सदके में इज्जतों से नवाजे और हमें ये तौफीक दे कि हम आगे ये फन बढ़ाएं।